आज हम पढ़ेंगे एक वर्ड, आपको ये पता है, डब्ल्यू एच ए टी, इसको क्या कहते हैं? पहले ये साउंड सीखेंगे ना, जैसे गॉट, जी ओ टी गॉट, पी ओ टी पॉट, एच ओ टी हॉट, एन ओ टी नॉट, इस तरह का साउंड होगा। ये होगा वर्ड, व्हाट नहीं है, इसको याद रखना। ये वर्ड में चार लेटर है पर एच लेटर पढ़ा नहीं जाएगा, पहले इसको याद रखना है। और दूसरी बात है, ये आ का साउंड नहीं होगा, ओ का साउंड होगा। वोट, गॉट, पॉट, हॉट, वोट, लेटर को हम नहीं पढ़ते। गॉट में जी ओ टी है पर इसका साउंड ग ओ टा है। पॉट में पी ओ टी है, इसका साउंड प ओ टा है। डब्ल्यू एच ए टी है, इसका भी साउंड वो टा, वोट। क्लियर? हाँ, तो आज हम सीखे ये वर्ड का करेक्ट साउंड है वोट, व्हाट, हाँ व्हाट ऐसा नहीं है, वोट। वोट जब कभी सवाल में आता है, क्वेश्चन में, वोट का यूज बहुत है, इसका मीनिंग भी बहुत है। आज हम एक मीनिंग को देखने जा रहे हैं, जब ये इंट्रोगेटिव में आए, सवाल में, क्वेश्चन में, तो इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं? कोई जानकारी के लिए हमें कुछ सूचना अगर चाहिए, जानकारी, तो हम इस सेंटेंस की मदद लेते हैं, वो इंट्रोगेटिव है, इसको याद रखना। चाहे वो यस नो हो या डब्ल्यूएच, दो तरह का इंट्रोगेटिव है। एक यस नो इंट्रोगेटिव, जिसके आंसर में यस और नो आएगा। दूसरा है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। तो डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव के अंदर एक डब्ल्यूएच वाला वर्ड हम लिए, उसका नाम है वोट, और ये वोट कब यूज करेंगे? सवाल के रूप में। बहुत मीनिंग है, एक मीनिंग हम देखते हैं। इट इज यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, याद रखना। डब्ल्यूएच वर्ड के अंदर एक वर्ड है जिसका नाम है वोट, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए? जब इट इज यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए, सूचना की जानकारी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं वोट, इसको याद रखना। वोट कब हम यूज करेंगे? कोई सूचना की जानकारी के लिए, चाहे आप पहले से उस सूचना के बारे में आपको पता हो या ना हो, दो चीजें। सवाल हम कब करेंगे? जब पहले से आपको जवाब, आंसर पता होगा तो भी करते हैं, पता नहीं होगा तो भी करते हैं। दो परिस्थिति में हम सवाल करते हैं, जैसे टीचर आपको क्लास में कुछ सवाल करते हैं, क्या टीचर को आंसर पता नहीं? पता है, फिर भी पूछते हैं, क्यों? आप कितना जानकारी पाए, इतना, ठीक है। और कभी कभी कोई जानकारी आपको पता नहीं होता है तो आप पूछते हैं, उस वक्त आपको जानकारी पहले से पता नहीं होता, तो दो तरह का परिस्थिति में हम पूछते हैं। सो ये कब इस्तेमाल करते हैं वोट? कोई सूचना पाने के लिए, किसका सूचना? अबाउट पीपल, आदमी का, लोगों का, ठीक है, मनुष्य का। थिंग, सामान का, जिनिस। प्लेस, खान, लिविंग नॉन लिविंग ऐसे कोई भी हो, इसी तरह का हम पूछते हैं, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, उनके बारे में कुछ सूचना पाने के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेशन क्वेश्चन में, उसका नाम क्या है? व्हाट। समझ में आ गया? अभी हम एक सवाल एग्जांपल लिए हैं, व्हाट टाइम इज इट। अगर हम एक सूचना समय के बारे में हमें जानना हो तो हम एक सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं? व्हाट टाइम इज इट। अब क्या पूछते हैं? मेन क्या चीज है, हमें क्या चाहिए, इसका सूचना? समय, टाइम। क्लियर हो गया?
हम आंसर में क्या लिखते हैं? जो समय है वो लिखते हैं। बात को समझ में आया? और ये टाइम वर्ड को यहां लिखते हैं कि आंसर में? आपको सवाल हुआ कितना बजा, समय कितना, समय क्या है, तो आप आंसर में बोलते हैं समय है 7:20, बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं, ठीक से ध्यान दीजिए। आपको कोई पूछे समय कितना, आप सिर्फ बोलते हैं समय क्या है, अभी समय क्या है, कितना हो, तो सिर्फ समय बोलते हैं या फिर ये समय वर्ड को लगा के बोलते हैं? समय वर्ड लगता है क्या? ठीक से समझिए, नहीं, क्यों नहीं? ना ये समय कितना है ये पूछ रहा है, वर्ड वर्ड पूछ रहा है सूचना के ये समय क्या है, तो आप जवाब में ये वाला वर्ड और यूज नहीं करते, करते हैं क्या? ठीक से नहीं करते। सो हम सिर्फ इट इज, जो समय होगा वो यहां लिखते हैं, पर समय वर्ड को यूज नहीं करते। ठीक से ध्यान दीजिए, क्लियर हो गए ना? नहीं समझे? हाँ, मैं अगर पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं वोट लगाया, वोट आर यू डूइंग, आप डूइंग के लिए मैं वोट लगाया, क्या काम करते हैं, वोट वो डूइंग को बताना है। आप क्या बोलेंगे, वी आर डूइंग स्टडिंग, बोलेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? नो, वोट इंफॉर्मेशन पूछ रहा है डूइंग के बारे में, क्या एक्शन कर रहे हैं, तो वो एक्शन वर्ड को हम रिपीट और नहीं करेंगे, जो काम करते हैं वो कहें, ठीक है। अगर कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, होगा क्या? नहीं। तो याद रखना, बहुत जगह हम गलत करते हैं, हमें पता नहीं है, आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहां सीखे व्हाट टाइम इज इट, समय क्या है, वो समय का सिर्फ नाम लिखे हैं, इट इज 7:20, 7:20। हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोले कि अभी समय है 7:20, बोले क्या? नहीं, सिर्फ समय का नाम बोले, समय को रिपीट नहीं किए। क्यों ना? समय को रिपीट करने से आंसर खराब होता है, क्लियर। अभी हम पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, हाँ, तो ये वर्ड किसके लिए लगा, या ठीक से ध्यान दीजिए, योर नेम के लिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट टाइम इज इट, समय क्या है, हम बोलते हैं इट इज टाइम 20 मिनट्स पास, बोलते हैं नहीं, बोलते सिर्फ समय का नाम बोलते हैं। आप इसको देख लीजिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप इसको फिर रिपीट करेंगे क्या, सवाल ये, क्लियर हो गए? बहुत लोग आंसर में बोलते हैं माई नेम इज, अब माई नेम अगर मैं लिखा तो ये जो इंफॉर्मेशन सूचना पाने का यहां है वो गलत हो गया, तो आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या करना, आप सिंपल अपना नाम बोलना, आई एम, अपना नाम लिखना, ठीक है। अगर सचिन को पूछे आपका नाम क्या है, तो सचिन जी बोलते हैं मेरा नाम सचिन है। माई नेम अगर हमें यहां लिखो माई नेम इज सचिन, तो ये गलत होता है। आंसर सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, आंसर में सूचना देना है जो बोला गया है, योर नेम के लिए वर्ड लगाया गया है, फिर आप आंसर में माई नेम बोलेंगे तो सेंटेंस गलत होता है। तो कोई अगर पूछे व्हाट्स योर नेम, तो आप बोलना आई एम, नाम बोलना, इतना ही, उसको शॉर्ट में आई एम बोलते हैं, ठीक है। कभी माई नेम नहीं बोलना, क्यों, नेम के लिए वर्ड बैठा है, वर्ड बैठकर और ये यूज किया गया है इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप सिर्फ नाम बोल लो और इतना नहीं बोलना। अगर सिर्फ सचिन भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्यों, मैं जो सवाल है उसका आंसर नाम क्या है सचिन। आप जब बात करते हैं कन्वर्सेशन, कोई अगर नाम पूछता है नाम क्या है, पूरा बोलते हैं मेरा नाम, नहीं,
सचिन सिर्फ भी चलेगा। तो आप लिखते समय आई सचिन बोलेंगे, बोलते समय खाली सचिन भी बोल सकते, अपना नाम बोल सकते, क्लियर। तो व्हाट्स योर नेम, आप आंसर में माई नेम रिपीट नहीं करना क्योंकि ये गलत है, क्लियर हो गए। आई अपना नाम बोल, क्यों है मैं बता दी, जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल लिए। हाँ, अब नेक्स्ट, व्हाट्स योर फादर्स नेम, आपके बाबा का नाम क्या है, ठीक है। तो अगर आपके बाबा का नाम जो होगा वो आप लिखना, तो आप यहाँ पे मिस्टर बाबा का नाम लिखना, इज माई फादर, ऐसे लिखना, ठीक से समझिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ये योर फादर्स नेम व्हाट क्या है वही लिखना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, माई फादर्स नेम इज, अब ये गलत हो गए। अगर कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, आप जो करते होंगे वही बोलेंगे, आप अगर बोलेंगे हम करते हैं पढ़ते हैं, गलत हो। फिर ये भी ऐसे, व्हाट्स योर फादर्स नेम, बाबा का नाम क्या है, आप अगर फिर से रिपीट करेंगे मेरे बाबा का नाम, तो गलत हो, रिपीट आंसर नहीं होगा। मिस्टर बाबा का नाम लिखना, इज माई फादर, क्लियर हो गया। जैसे हम पिकुन का मिसाल देते हैं, हमारे यहाँ एक आदमी है उसका नाम पिकुन है, तो अगर उनको पूछा जाए व्हाट्स योर नेम, तो पिकुन का नाम है सुभ्रजीत, सुभ्रजीत, तो पिकुन बोलेंगे आई एम सुभ्रजीत, क्यों बोले, ये जो नाम पूछा गया वो नाम बोले, ठीक है। बाबा का नाम क्या है, मिस्टर क्या नाम है, गजेंद्रनाथ साहू, मिस्टर गजेंद्रनाथ साहू, इज माय फादर, आप माय फादर से नेम नहीं लिखना। अब बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर, जो बाबा का नाम है वो लिखना। तो सुभ्रजीत के लिए व्हाट्स योर नेम, आई एम सुभ्रजीत, सुभ्रजीत के लिए, व्हाट्स योर फादर्स नेम, मिस्टर गजेंद्रनाथ साहू इज माय फादर। अगर पूछा जाए व्हाट्स योर मदर्स नेम, तो अब यहां लिखना मिसीज, मामा का नाम लिख के इज माय मदर, इस तरह करना। ब्रदर्स नेम, नाम लिखना इज माय ब्रदर, हाँ, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, ये गलत है, रिपीट होगा। अब आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, आपके देश का नाम क्या है, तो यहाँ व्हाट लगा है किसके लिए, देश के नाम के लिए, तो आप क्या करते हैं, फिर रिपीट करते हैं द नेम ऑफ आवर कंट्री, करते हैं, ये गलत, क्या लिखना, सिर्फ लिखना इट इज इंडिया, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज हम सीखे, अगर कभी व्हाट लगकर कोई सवाल आए तो हम सवाल के वर्ड को रिपीट नहीं करना, उसको समझना चाहिए। जैसे हम समझे व्हाट टाइम इज इट, समय क्या है, उसके बारे में सूचना देना है, फिर समय वर्ड को रिपीट नहीं करना। जैसे यहाँ पे हुआ इट इज 7:20, तो इस तरह आप कोई सवाल आए व्हाट लगकर सूचना पाने के लिए, आप वो सवाल के सेंटेंस में वर्ड को फिर आंसर में रिपीट करना नहीं है। तो अगर कोई पूछे व्हाट्स योर नेम, आप आंसर में बोलना आई, नाम बोलना, व्हाट्स योर फादर्स नेम और माय फादर्स नेम रिपीट नहीं करना, मिस्टर बाबा का नाम लिखना इज माय फादर। अगर कोई पूछे व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंट्री और द नेम ऑफ माय कंट्री और आवर कंट्री रिपीट नहीं करना, इट इज इंडिया, क्लियर हो गए, धन्यवाद।